पंचपद जी आपके साथ छल हुआ है। आपने पूर्ण विश्वास के साथ अछूता जी को अपने घर में रहने दिया और उसने राधा के उपचार के आड़ में आपके ही घर से आपके बहुमूल्य धरोहर को चुरा लिया। इस अपराध के लिए उसे दंड मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ, उस अछूता को दंड मिलना ही चाहिए। उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। उस चोर को दंड मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ, उस अछूता को दंड मिलना ही चाहिए। सच कहो वृषभान जी, इतना बड़ा विश्वासघात आज तक मेरे साथ नहीं हुआ। बस आपसे निवेदन है कि अछूता जी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। मैं बरसाना का मुखिया वृषभान अछूता जी को उसके अपराध के लिए ये दंड देता हूं कि आज इसी पल से बरसाना क्षेत्र के समस्त 108 गांव में अछूता को आश्रय। रुकिए बाबा। तुम ठीक तो हो ना? बाबा, हर बार प्रत्यक्ष दिखने वाला सत्य सत्य नहीं होता। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारे घर से हमारे पुरखों की बहुमूल्य धरोहर चोरी हुई है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि अछूता जी ऐसा कदापि नहीं कर सकती। मुझे विश्वास है कि वो अवश्य आएंगे। मुझे विश्वास है कि वो अपने इस कर्म का कारण भी देंगे। किंतु राधा, वो ना लौटी तो अकारण न्याय में विलंब होगा। मैं समझती हूँ बाबा, किंतु मेरे विश्वास के लिए केवल आज सूर्यास्त तक रुक जाइए, और यदि वो तब तक नहीं आए तो आप वो दंड देंगे जो स्वीकार होगा। तो फिर ठीक है, यदि आज सूर्यास्त तक अछूता जी नहीं लौटी तो उन्हें समस्त 108 गांवों से निष्कासित कर दिया जाएगा। सूर्यास्त तो अब होने को है और वो अछूता अभी तक लौटी नहीं। राधा को दी हुई समय सीमा भी अभी पूर्ण होने को है। क्यों? तो राधा, अब जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। औषधि ले लो। नहीं मां, अभी तक सूर्यास्त नहीं हुआ। अभी भी कुछ क्षण शेष है।